रेन ऑफ सेवन स्पेल ब्लीडर्स के लेटेस्ट एपिसोड एपिसोड नंबर 11 के हिंदी एक्सप्लेन में तुम सभी का स्वागत है। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां से पिछले एपिसोड में खत्म हुई थी, जहां ऑलिवर और मिस्टर ऑलब्राइट की फाइट चलती है। ऑलब्राइट फिर ऑलिवर को कहता है कि क्या हो गया, कोई ट्रिक्स काम नहीं आ रही क्या तुम्हारे। वहीं ऑलिवर भी उसको करारा जवाब देते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी लग रही है। ये सुन के ऑलब्राइट वापस से ऑलिवर की तरफ अटैक करता है और वही अपना ऑलिवर भी एकदम ही बेखौफ होकर उससे वापस लड़ता है। तभी ऑलब्राइट उससे फाइट करने आता है क्लोज रेंज में और उस पे एक शैडो रेंज अटैक मारता है जिससे ऑलिवर को कुछ नहीं होता। जहां ऑलिवर उससे लड़ते हुए कहता है, तुम्हें देख कैसा लगता है, ये हाल ही में तुमने क्लोज रेंज में फाइट सीखी है। ये चीज तो इतनी आसान थी कि मुझे रियल टैलेंट की भी इस्तेमाल नहीं थी, बस एक ट्रिक ही लगा इसको डॉच करने में। वहीं दूसरी तरफ हमें नना और मैकफ्लरी दिखते हैं जिनकी फाइट स्टेसी और फ्रे से होती है। स्टेसी और फ्रे वापस से इन दोनों पे हमला करते हैं। नना इस वार को डॉच करती है जहां स्टेसी रियलाइज करती है कि हमें सिर्फ मैकफ्लरी पे ही हमला करना होगा। तभी ये लोग मैकफ्लरी पे हमला करते हैं जहाँ पे मैकफ्लरी ये देखकर अपने टॉर स्पेल का इस्तेमाल करते हुए जमीन में एक ऐसा इलेक्ट्रिक शॉक मारती है जिस कारण फ्रे और स्टेसी ये दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। वेल तभी वहाँ पे ननाओ भी आ जाती है। स्टेसी को नीचे गिरता देख अपनी मैकफ्लरी उसके पास आती है एंड फिर वो उसको कहती है कि मैंने ये जो इलेक्ट्रिक शॉक मारा है ये तुम्हारे वुल्फ के लिए नहीं, ये तुम्हारे लिए मारा है, क्योंकि लड़ाई के आखिर में तुम कुछ ज्यादा ही गलत कर रही थी और ज्यादा ही सीरियस हो चुकी थी। स्टेसी वापस उठ खड़ी होती है और उसको कहती है कि तुम अब बस करो। तब वापस से हम लोग पहले सीन में जाते हैं जहाँ पे ऑलिवर और ऑलब्राइट की फाइट चलती है। ये दोनों ही नदी किनारे आ चुके थे जहाँ पे ऑलब्राइट उससे कहता है कि ये अब कोई डुओ नहीं रहा, हम लोग एक दूसरे को डिसबैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर कब तक हम लोग ये सब करते रहेंगे। ऑलिवर कहता है कि मेरे पास ताकत तो नहीं है लेकिन मेरे पास डिफेंसिव अटैक ज्यादा है, तो मुझे नहीं पता हम लोग कब तक हैं। दूसरी तरफ स्टेसी और मैकफ्लरी दोनों की ही आपस में जंग चलती है जहाँ मैकफ्लरी उसको हरा देती है वापस और कहती है कि तुम्हें अपना माइंड ट्रेन करने की जरूरत है, अपनी शर्ट नहीं। तभी ऑलिवर और ऑलब्राइट की फाइट में ऑलब्राइट उसको गिरा देता है। तभी वो देख पा रहा है कि ऑलिवर ने उस पे काफी तगड़ी किक मारी है, वो तगड़ी किक खा ऑलब्राइट नीचे गिरता है और इसका फायदा उठाते हुए अपना ऑलिवर अपना मैजिक इस्तेमाल करता है जिस कारण ऑलब्राइट काफी बुरी तरह से जमीन पे गिर चुका था, उसकी स्वर्ट भी अलग पड़ी थी और इस तरीके से अपना ऑलिवर जीत जाता है। वापस से स्टेसी और मैकफ्लरी की फाइट चलती है जहाँ पे मैकफ्लरी वापस से इसको हरा देती है। हार का सामना कर स्टेसी रोते कहती है कि क्यों, मैं क्यों फिर से हार जा रही हूँ, मैं कभी जीत क्यों नहीं पाई। तभी ये जो भेड़िया है जिसका नाम फ्रे है ये वापस अपने इंसानी फॉर्म में आ चुका है, वो उसको संभालते हुए कहता है कि तुम इसलिए नहीं जीत पा रही क्योंकि तुम कमजोर हो, दैट्स इट। मैकफ्लरी फिर इन दोनों से पूछती है कि मुझे एक सवाल है, मैंने कभी तुम्हारे साथ गलत नहीं करा, तब भी तुम दोनों मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो। इसका रिप्लाई फ्रे देता है कि आंसर सिंपल है, तुमने कुछ गलत नहीं करा लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही परफेक्ट हो और फैमिली के भी कुछ रीजंस है, अगर तुम नहीं रहती हो तो तुम्हारी जगह स्टेसी लेगी, लेकिन इसका केस थोड़ा अलग है, ये भी तुम्हारे पिता की संतान है। ननाओ काफी शौक थी ये बात सुन के जहां मैकफ्लरी से पूछती है कि क्या तुम्हारी बहन हुई। मैकफ्लरी बताती है कि हां बाय ब्लड ये तो मेरी बहन है लेकिन तब भी मुझे मना करा गया है इससे बात करने को, इवन मेरे फादर भी इसको खुलेआम अपनी बेटी नहीं कह सकते। आगे फ्रे बताता है कि ये सभी कजन्स में से काफी हार्ड वर्किंग कजन है लेकिन स्टिल इसको 10 की एज में पता चल चुका था असली सीक्रेट कि क्यों इसके फादर इसको अवॉइड करते हैं और इसी चीज ने इसको एक लक्ष्य दिया और वो लक्ष्य था कि वो तुमसे ज्यादा ताकतवर बने ताकि उसको अपने फादर से वैलिडेशन मिले, लेकिन ये सब करने के बावजूद भी कुछ नहीं होगा। तब भी इसने अपना लाइफ का गोल बनाया और इसी ने इस चीज के ऊपर अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। स्टेसी की शक्ल काफी गिर चुकी थी, वो बहुत रो रही थी। तभी नना उसके पास आती है। नना उससे कहती है कि ये तो सच है कि तुम कभी भी मैकफ्लरी की जगह नहीं ले सकती, मान लो कल को मैकफ्लरी नहीं रहती है और मैं उसकी जगह ले लूं, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी। बिल्कुल भी नहीं, हम इंसान कोई टूल नहीं है, हम लोग अपने में ही एक अलग पर्सनैलिटी लेके चलते हैं, तो तुम्हें अपनी पर्सनैलिटी भी रहना चाहिए, लोगों की बातों पे ध्यान मत दो। ये सुन स्टेसी काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। ये सारी बातें दूर से अपना ऑलिवर सुन लेता है और फिर ऑलिवर ऑलब्राइट से कहता है कि ननाओ जब भी अपना मुंह खोलती है हमेशा अच्छा ही होता है, किस दिन तुम्हें भी उसके साथ लड़ना चाहिए। ऑलब्राइट फिर उससे कहते हैं कि चलो अगर तुम्हें मेरा पास्ट ही सुनना है तो अब सुन लो। ऑलब्राइट सबको इकट्ठा करता है और कहता है कि अब मेरी कहानी ध्यान से सुनना, आज से कुछ टाइम पहले हमारे यहाँ पे एक सर्वेंट हुआ करती थी जो कि मेरी ही एज की थी, वो और मैं चेस खेलते थे, उसको और मुझे चेस खेलना बहुत पसंद था, उसका नाम एमा था। वो हमेशा कोशिश करती थी कि वो कभी ना कभी मुझे में हराएगी लेकिन हर बार वो हार जाती थी। वो बहुत मेहनत करती थी, वो तरह तरह की किताबें पढ़ती थी कि कोई ना कोई चाल से वो मुझे हरा सके चेस में। मैं उसका हार्डवर्क देख काफी इम्प्रेस था, मैं काफी खुश होता था उसको इतनी मेहनत करता देख, और एक दिन वो पल आ गया जब उसने मुझे चेस में हरा दिया था। मैंने एक्सेप्ट कर ली उससे हार और वो सुन के वो काफी ज्यादा खुश हुई थी। खुशी खुशी में मैंने ये बात अपने फादर को बताई और उस दिन मेरे फादर ने मुझे इतना मारा कि तुम सोच नहीं सकते। आधे दिन तक मैं बहुत बुरी तरीके से पिटता रहा और फिर जैसे ही मैं अपने रूम के अंदर गया,
मैंने देखा कि एमा वहाँ पे नहीं है। मैं उसका इंतजार करता रहा टेबल पे, लेकिन वो कभी ना आई। और फिर मुझे बाद में पता चला कि जब मेरी पिटाई हो रही थी तो एमा की पूरी फैमिली और एमा को गायब कर दिया गया। उस दिन मैंने ये सीखा कि मुझे सिर्फ जीतने के लिए बनाया गया है, हार के लिए नहीं। अगर मैं हारता तो वो मेरी हार नहीं, मेरी पूरी ऑल राइट फैमिली की हार है। तो ओलिवर, तुमने मुझे हाल ही में कहा था कि मैं बस एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं सच में नहीं लड़ रहा, तो लो अब मैं तुम्हें अपनी एक्टिंग दिखाता हूँ। एंड ये बोल के वो लिटरली अपने एक मैजिक को ऊपर कास्ट करता है, जिसमें से काफी सारी बड़ी बड़ी हनी बीज बाहर आती हैं। वेल, तभी ओलिवर और उसके बाकी दोस्त उन सभी बीज से फाइट करते हैं। तभी उनको शेल्टर देने के लिए केट उनको कहती है कि तुम इस शेल्टर ब्रांच के अंदर आओ। और गाय ने ही ये पूरा शेल्टर बनाया था, उसने कुछ बीज अपने साथ रख लिए थे। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि शैतानी मधुमक्खी अपनी स्टेसी और फ्री के पीछे पड़ी है। पीट ये सब देखता है और उन दोनों को ही शेल्टर के अंदर बुलाता है। बहुत देरी हो चुकी थी क्योंकि एक मधुमक्खी उनके पीछे ही पड़ जाती है। तभी स्टेसी उस मधुमक्खी को हराती है और वो सब के सब अब उस डोम के अंदर थे। उन मॉन्स्टर मधुमक्खियों को रोकने के लिए अपनी केट अपना वापस से वही सीक्रेट वेपन यूज करती है। वो सभी लोग प्लान के मुताबिक बात करते हैं कि हम लोग एक ऐसे इंसान के सामने तो कभी नहीं हार सकते जिसकी ऐसी घटिया थिंकिंग हो। सब लोग आगे कहते हैं कि अगर हमारा हार नहीं इकलौता ऑप्शन रहा तो इसके सामने तो बिल्कुल नहीं। ओलिवर भी सोचता है कि हम ये बहुत बड़ा गैम्बल खेल रहे हैं, लेकिन तब भी हम अब प्लान बनाते हैं। तभी वहाँ पे मैकफेरी कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं अपना एक राज खोलने वाली हूँ तुम्हारे सामने जो मैंने किसी को भी नहीं बताया। वेल, तभी हमें दिखाया जाता है कि सारी बीज वापस से उन पर अटैक कर रही हैं, उनका बनाया हुआ शेल्टर वो बीज तोड़ रही हैं। वही यहाँ पर अपनी जो मैकफेरी थी वो धीरे से चमकना शुरू होती है और फिर वो सब लोग बात करते हैं कि हमने तो कभी रूमर्स नहीं सुने थे और मुझे मत बोलना कि तुम वही हो जो हम सोच रहे हैं। तभी पीट कहता है कि मैंने रूमर सुना था मैकफेरी खानदान में एक इंसान ने एक एल्फ से भी शादी की थी। और हाँ, हम लोग देख सकते हैं कि अपनी मैकफेरी फाइनली एक आधी एल्फ है और आधी इंसान है। एल्फ एक तरह के डेमी ह्यूमंस होते हैं, इनके बारे में तुम्हें ज्यादा पता होगा अगर तुम लोगों ने ब्लैक क्लोवर देखी हो तो। तभी बीज उन पर अटैक करती है जहाँ वो सभी लोग मिल करके एक साथ अपनी पावर का इस्तेमाल करके सारी बीज को हरा देते हैं। तभी अपनी ननाओं की बारी आती है जहाँ वो एक ही बारी में सारी बीज को खत्म कर देती है। तभी अपना ऑल राइट जमीन पे आ चुका है, जिसे देख ननाओ कहती है कि अब तुम्हारा गेम यही खत्म होगा। ननाओ आगे कहती है कि तुम्हें हार माननी पड़ेगी, तुम्हारी फैमिली कोई गॉड नहीं है जो कि हार नहीं मानेगी। एंड ये सुन फिर उन दोनों की काफी तगड़ी फाइट चलती है। तभी अपनी ननाओ ऑल राइट के ऊपर हमला करती है, जहाँ ऑल राइट मन ही मन रियलाइज करता है कि फाइनली अब वो शांति से हार चुका है। दूसरी तरफ मैकफेरी काफी थक जाती है, बिकॉज यू नो वो हाफ ही एल्फ है, पूरी नहीं है, जिसे देख स्टेसी उसकी हेल्प करती है और कहती कि जरा संभल कर। तभी अपनी जो हाफ एल्फ है अपनी मैकफेरी उसको एक गिफ्ट देती है और कहती कि ये लो एक बहन की तरफ से दूसरी बहन को। एंड हाँ, फाइनली इन दोनों के पौराणिक बिगड़े हुए रिश्ते अब सुधर जाते हैं। दूसरी तरफ अपना ओलिवर ऑल राइट को एक गुड हैंड देता है और कहता है कि तुम्हारे साथ आज की फाइट बहुत अच्छी थी, फिर किसी और दिन एक और बार लड़ेंगे। वो भी प्यार से खड़ा हो जाता है, जहां ओलिवर उससे कहता है कि हार का मतलब होता है एक और बार ताकतवर होकर दोबारा लड़ना। जहां ओलिवर काफी खुश था और सबको कहता है कि चलो अब घर चलते हैं। तभी वो देखता है कि कुछ 7-8 अननोन मैजिकल बीस्ट उन सबके सामने आ जाते हैं। ऑलब्राइट उनके ऊपर हमला करने जाता है, जहाँ पे वो बीस्ट ऑलब्राइट को ही पकड़ लेते हैं। ओलिवर उन सबको भागने का ऑर्डर देता है, वो सभी लोग आगे की तरफ भागते हैं। तभी वहाँ पे फ्रे को एक बीस्ट पकड़ लेता है। पीट भी आगे जाते हुए गिर जाता है, जहाँ वो बीस्ट पीटर को भी पकड़ ले जाता है। तभी हमें मैजिकल एकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोगों को ऑर्डर मिला था कि वो लोग अपने अपने कमरे में जाएं। ओलिवर भागते प्रेसिडेंट गॉडफ्री के पास जाता है और कहता है कि मेरे दोस्तों को वो मैजिक बीस्ट उठा के ले गए। गॉडफ्री कहता है कि तुम्हारे दोस्तों को भी ले गए, यहाँ पे काफी सारे लोगों को ले जा चुके हैं वो लोग। आगे वो लोग ओलिवर को बताते हैं कि अब तक 17 स्टूडेंट्स गायब हो चुके हैं और इन सब के पीछे एक ही महिला का हाथ है, जिसका नाम है ओफेलिया सेवेडोरी। ये नाम सुनते ही ओलिवर को पास्ट एपिसोड में हुई हुई बातचीत उसको याद आती है जो उसने सेवेडोरी और अपने बीच की थी, जहाँ बेसिकली इस लड़की ने ओलिवर को कहा था कि अगले कुछ महीनों तक ज्यादा एडवेंचर करने मत जाना, तुम सिर्फ अपने कमरे में ही एक अच्छे बच्चे की तरह स्टडी करना, समझ गए। फिर हमें आखिर के सीन में वही सेवेडोरी दिखाई जाती है जिसने काफी सारे लोगों को कैद कर रखा है। एंड या दोस्तों, इसी के साथ हमने रेन ऑफ सेवन सोल ब्रीडर्स की लेटेस्ट एपिसोड नंबर 11 का हिंदी एक्सप्लेन यहीं पे खत्म होता है। इसके सेकंड लास्ट एपिसोड या फिर लास्ट एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस कर देना लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने एनिमे फ्रेंड्स के साथ या फिर एनिमे ग्रुप्स में। इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाओ जाके मुझे फॉलो जरूर करना। तो वेल दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा तुम सभी से एक और नई वीडियो में एक और नए एनिमे एक्सप्लेन के साथ। तब तक लेट्स लर्न योर हिंदी। साइनिंग ऑफ, नमस्ते।